प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानपुर पहुंचे हैं। यहां पर पीएम मोदी ने कानपुर को मेट्रो की सौगात दी है। इसके साथ ही बीनापन की मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन किया। यहां निराला नगर रेलवे ग्राउंड में पीएम ने जनसभा को भी संबोधित किया, जिसमें उन्होंने यूपी की पिछली सरकारों को घेरा। इससे पहले पीएम मोदी ने कानपुर मेट्रो का सफर भी किया और इसमें सीएम योगी और मंत्री हरदीप सिंह पुरी उनके साथ थे। बता दें कि पिछले दिनों कानपुर में पीयूष जैन के ठिकानों पर जो छापा पड़ा उसका भी मोदी ने रैली में जिक्र किया और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि बीते दिनों जो बक्से भर भर कर नोट मिला है, ये लोग उसमें भी कहेंगे कि यह भी बीजेपी ने किया है। मोदी बोले कि पिछली सरकार ने भ्रष्टाचार का जो इत्र छिड़क रखा था वह सबके सामने आ गया है। आज कानपुर को मेट्रो कनेक्टिविटी मिली है, साथ ही बिना रिफाइनरी से भी कानपुर अब कनेक्ट हो गया है। इससे कानपुर के साथ साथ यूपी के अनेकों जिलों में पेट्रोलियम उत्पाद अब और आसानी से सुलभ होंगे। हम दोनों प्रोजेक्ट के लिए आप सबको, पूरे उत्तर प्रदेश को बहुत बहुत बधाई। आप सबके बीच आने से पहले आईआईटी कानपुर में मेरा कार्यक्रम था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।